हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला और आज हम कर रहे हैं पैसेज नंबर फोर क्लास है हमारी नाइन्थ और चैप्टर का नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड तो आइए देखते हैं राइटर इसमें क्या कहते हैं कि एट द आर्जिंग ऑफ अ क्लीग आइंस्टीन रॉट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेजिडेंट को वो लिखते हैं एक लेटर क्यों क्योंकि उनके कुछ साथियों ने कलीग होते हैं जो उनके साथ पढ़ता दो कॉलेज आप इसको समझ सकते हैं जो कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं सहपाठी होते हैं साथ पढ़ने वाले या साथ काम करने वाले उनको हम कलीग बोलते हैं और ये लेटर लिखा गया था वन अगस्त टू नाइनटीन थर्टी नाइन इन विच ही वांटेड अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप वो कहते हैं इस तरह का केवल एक सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट अगर किसी पोर्ट में जैसे एयरपोर्ट होता है हवाई जहाज का ऐसे ही सिंपल पोर्ट होता है समुद्री जहाज का जिसे हम बंदरगाह कहते हैं वो कहते हैं कि ऐसा एक ही बॉम्ब किसी भी बंदरगाह में माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय वो डिस्ट्रॉय कर सकता है द हॉल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ़ सराउंडिंग टेरिटरी ना केवल उस बंदरगाह को पूरा का पूरा बल्कि उसके आस पास के भी काफ़ी अक्षेत्र को वो नष्ट कर सकता है हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट और उनके शब्दों का जो था वो इफेक्ट भी काफी रहा प्रभाव रहा द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटोमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन एक सीक्रेट होता है गुप्त रूप से उन्होंने योजना बनाई एक प्रोजेक्ट बनाया और उन्होंने ऐसा एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनाना प्रारंभ कर दिया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945 और 1945 में हिरोशिमा और नागा पर ये बम गिरा दिया जाता है आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके नेम द लेसन अभी हमने बात की या ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड व्हाट वाज या हु वाज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट व्हाट से भी बेटर यहां क्वेश्चन बनता है हु तो पहली लाइन में आंसर आया था कि वो जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वाज अमेरिकन प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अबाउट व्हाट डिड ही राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उसने लेटर में क्या लिखा था उन्होंने लेटर में लिखा था ही रोट आप यहाँ कर सकते हो ही रोट या इवन ये कर सकते हैं ही वार्ड उन्होंने वार्निंग दी थी क्या कि ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पॉट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विद यहाँ तक का भी काफी है या विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी यहाँ तक का भी इनवर्टेड कॉमास तक का पूरा आंसर बन जाता है डिड अमेरिका डेवलप तो अमेरिका ने डेवलप किया द अमेरिकेवलप्ड डिड अमेरिका ड्रॉप एटम बॉम्ब ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी ये जो है ये डेवलप किए गए थे उसके बाद गिराए गए थे अगस्त नाइनटीन फोर्टी फौर्ट फाइव अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ओवर हीरोशिमा एंड नागा इन अगस्त नाइनटीन फोर्टी फाइव दैट इज़ ऑल फॉर टूडे कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट पैसेज के साथ थैंक यू थैंक यू वेरी मच